सीएससी वेली के तरफ से रेगुलर अपडेट, रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस बैंक में खोलते हैं तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, कितना ब्याज मिलेगा, कितने लोग संयुक्त रूप से अकाउंट खोल सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा, कितने पर चेकबुक जारी होगा, इन सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस टाइप के नई टेक्निकल चीज़ों को और नई अपडेट चीज़ों के बारे में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल एक आइकन अगर दबा देते हैं तो हमारे द्वारा कोई भी बनाई गई नई वीडियो जैसे ही मैं लोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। हमारे बनाए गए इस वीडियो का समीक्षा आप लास्ट में करिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लगता है कि ये काम की वीडियो है तो अपने मित्रों में और अपने करीबियों में इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, यानी शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस अकाउंट के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस बचत योजना खाता। मैं यहाँ से हाईलाइट करके रिमार्क करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस बचत योजना खाता। ये बनाया क्यों गया है, इससे होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है कारण क्या है, ये किसके काम में ज़्यादा आता है। कम आमदनी वाले लोगों को बचत यानी सेविंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पोस्ट ऑफिस डेवलपमेंट कि यह प्रारंभिक बचत योजना है, जिसे प्राइमरी सेविंग स्कीम के तहत भी लोग जानते हैं। इसमें क्या मिलता है, कैसे काम होता है, मैं आगे आपको बताते जा रहा हूँ। हमारे इस वीडियो को आप बिना भगाए और लगातार अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, जिससे जो है आप आसानी से जो है समझ लेंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम रकम। हर जगह समस्या आ जाती है, सभी लोग पूछते हैं कि जो अकाउंट खोला जाएगा जीरो बैलेंस है या कितना पैसा लगेगा, उसमें मिनिमम कितना बैलेंस रखना होगा, ये सबके दिमाग में चीज़ें उठती हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कम पैसे में आप जो है इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति सिर्फ 20 रुपये में यहाँ अकाउंट खोल सकता है। इसमें पैसा जमा, डिपॉजिट और निकालना यानी विड्रॉल किया जा सकता है। ये साधारण खाता है जो 20 रुपये से पोस्ट ऑफिस में खुल जाता है। 20 रुपये में क्या मिलता है, कौन सा जमाना है, तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस इतनी अच्छी व्यवस्था दे रही है। उसके अलावा यदि आपको चेकबुक जारी कराना है, चेकबुक चाहिए, तो आपको 500 रुपये आपके खाते में होना चाहिए, तब जा कर के आपका चेकबुक जारी हो जाएगा। तो ये भी बहुत कम बैलेंस है कि 500 रुपये डाल करके आप चेकबुक भी ले लेंगे, चेकबुक का भी आनंद उठाएंगे। जेड देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है कि कितने लोग मिल करके जो है अकाउंट खोल सकते हैं। हर जगहों पर गाँव में सामूहिक खाते या परिवार में फैमिली खाते या मित्र पति पत्नी, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ज्वाइंट अकाउंट हो कि मैं दिल्ली मुंबई पंजाब कमाने चला जाऊं तो मेरे परिवार का दूसरा व्यक्ति पैसा निकाल ले। तो इसमें देखिए किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति के नाम से एक बचत खाता ही खोला जाता है। दो या तीन लोग मिल करके संयुक्त यानी ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हैं। पहले से अगर कोई एकल अकाउंट यानी सिंगल अकाउंट खोला हुआ है तो उसे ज्वाइंट अकाउंट बनाया सकता है, यानी उसमें बदलाव किया जा सकता है आसानी से, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा देखिए अन्य सुविधाएं जो इसमें दिया हुआ है, न्यूनतम और अधिकतम बैलेंस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि न्यूनतम और अधिकतम बैलेंस कितना आप रखेंगे, इसके बारे में भी जानें। देखिए नीचे वही ऊपर मैं बताया हूँ, लगभग चीज़ें वही हैं। अगर आप चेक जारी करने की सुविधा नहीं लेते हैं तो आपके अकाउंट
में कम से कम 50 रुपये बैलेंस होना अनिवार्य है। यानी 50 रुपये आप नहीं रखते हैं तो आपका जो है मिनिमम बैलेंस चार्ज कटेगा। चेक की सुविधा लेने पर 500 रुपया मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज कटेगा। उसके अलावा देखिए नोट करके नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अपना बचत खाता चालू यानी एक्टिव रखने के लिए 3 साल से कम समय में 1 से 2 बार ट्रांजैक्शन आपको करना अनिवार्य है। पैसा जमा कर दीजिए या निकासी कर दीजिए, 3 साल से अधिक की अवधि अगर हो जाती है तो आपको खाते को बंद कर दिया जाएगा, तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ जाएंगे फिर उसे खुलवाने में। इसके बाद बात आती है कि ब्याज दर की, हम पैसा जमा करते हैं तो हमको ब्याज क्या मिलता है, अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो हम लोग पैसा क्यों जमा करेंगे बचत खाते में। तो हम ब्याज की बात कर लेते हैं, हम आ गए ब्याज पर। अब देखिए ब्याज पर कितना ब्याज मिलता है, क्या होता है, इसको भी जानते हैं। इस अकाउंट में जमा रकम पर आपको 4% सालाना ब्याज मिलता है। यह ब्याज दर संयुक्त ज्वाइंट खाते पर और सिंगल अकाउंट दोनों पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट है ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, दोनों पर सेम स्कीम है। जबकि और भी जो बैंक हैं उनका 4% से कम भी ब्याज दर है, लेकिन उन्होंने 4% अपना ब्याज दर रखा हुआ है इस समय, जो कि बहुत अच्छा ब्याज भी है बचत खाते पर। इसके बाद हम अगर बात करें तो हो गया हर कोई जो पैसा जमा करता है वह टैक्स की बात करता है इसमें, कि हमारा टैक्स कितना लगेगा, टैक्स के बारे में ज़रूर जानकारी करना चाहता है। तो हम टैक्स के बारे में थोड़ी सी अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर अगर कोई टैक्स छूट नहीं है, कोई अलग से दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन बचत खाते पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर 10,000 तक का अगर आपको ब्याज मिलता है तो वह टैक्स फ्री है। 10,000 से अधिक जो ही आप ब्याज पाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आप टैक्स के दायरे में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये भी एक बेहतर है कि 10,000 रुपये आप ब्याज अगर पा रहे हैं तो 10,000 ब्याज भी बहुत मायने रखता है। जो लंबा अमाउंट ज़्यादा अमाउंट जमा करेगा वही 10,000 ब्याज पाएगा 4% के हिसाब से, तो टैक्स द्वारा भी इसका बेहतर है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो बच्चों का बचत खाता, तो यहाँ बच्चों का भी बचत खाता खुल जाता है आसानी से। जो हमने आगे आपको बताया था वही चीज़ें से यहाँ भी हैं कि अगर आप बच्चों के नाम पर भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलते हैं, बच्चा यदि 10 साल से ऊपर का है तो वह अकाउंट को खुद संचालित करेगा, और 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसे अभिभावक यानी गार्जियन जो भी उसके माता पिता चाचा जो भी हैं उसको वह संचालित करेंगे। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया पोस्ट ऑफिस की व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपको तो आप यहाँ देख सकते हैं नामांकन और अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा, जो कि बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाता है और बैंकों की अपेक्षा, कि अगर आप अकाउंट खोलते समय या बाद में खाते में किसी को नाम नहीं बना सकते हैं, यानी आसानी से किसी को आप कि मेरे न रहने पर या कोई मुसीबत पड़ने पर दूसरा कोई आपका काम से पैसा को निकाल ले। खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर जो नामनी होगा उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है और या पॉलिसी उसके नाम से ट्रांसफ़र भी हो जाती है। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है खाते का ट्रांसफ़र, तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है खाते का ट्रांसफ़र, क्योंकि खाते का ट्रांसफ़र अगर नहीं होगा तो भी एक दिक्कत होती है। तो हमारा लास्ट स्टेप यही है अकाउंट ट्रांसफ़र। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका अकाउंट किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं और अपना स्थान बदल सकते हैं, किसी कारण से ज़रूरी होने पर ऐसा किया जा सकता है। तो अगर आप कहीं और दिल्ली मुंबई पंजाब रहते हैं, किसी कारण से कहीं और चले गए हैं, तो आपका अकाउंट वहाँ आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा
वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मित्रों, आप लोग हमारे इस पूरे वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो हमारे बताए गए जो भी इस वीडियो को देख करके आपको लगा हो उसको समीक्षा करके, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो अनलाइक करिएगा। और हमारे चैनल से यदि आप जुड़ जाते हैं तो इस टाइप की नवीनतम बहुत सारी वीडियो आपको हम YouTube चैनल के माध्यम से देंगे और नई टेक्निकल चीज़ें भी आपको हम देते रहते हैं। ज़्यादातर हम जो है फिनो पेमेंट बैंक, PSEL, सहारा, SBI से संबंधित ज़्यादा वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन अगर दबा देते हैं आप तो हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री होता है। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।